हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना, और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब वीडियोस को बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार दे रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और इवन देन आप इसको अपने लाइफस्टाइल पे अप्लाई भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगना इट इज़ अ सेंस दैट कि अगर हम आपको कुछ बताते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करें, और जब आप इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और आपको उन चीज़ों में रिजल्ट्स मिलते हैं, तो दैट मेक्स अस हैप्पी। और आपको तो वो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, आपके माइंडसेट को बढ़िया बिल्डअप करता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देता है, और साथ ही साथ हमें भी बहुत ज़्यादा बढ़िया महसूस होता है कि हमारी बताई गई चीज़ें आपको जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, आप लोगों को वो प्रॉफिट दे रही हैं, बेनिफिट्स दे रही हैं। तो चलिए, आज मैं एक छोटा सा सेशन बनाने वाली हूँ पानी के ऊपर। वैसे तो मैंने कई बार बताया है कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मियों के दिन स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी जो है डिहाइड्रेशन, इसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक होने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आज से ही धीरे धीरे अपनी कंजप्शन ऑफ वाटर जो है वो बढ़ाएं, ताकि जो हमारी बॉडी एल्कलाइन और एसिडिक इसका जो लेवल है वो मेंटेन कर सके। सो अभी मैं एक सेशन और बनाऊँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो लोग मतलब पानी तो हम पीते हैं, लेकिन जो पानी है वो भी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगी। और पानी कैसे पीना चाहिए सो दैट वो हमें जो है वो ना तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एल्कलाइन करे, और हमारी बॉडी का जो है एसिडिक लेवल भी मेंटेन कर सके। सो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि कई बार तो हमें जो है वो पानी पीना ही नहीं आता है, पानी पीना नहीं आता इन द सेंस कि हमें आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार जो पानी है वो हम ये कहते हैं कि खाने से पहले आधा घंटा पी लीजिए, तो वो अमृत के समान माना जाता है। यानी कि वो एक आपका कह लीजिए कि अगर आप आधे घंटे पहले पानी पीते हैं खाने से, तो वो आपका एक चमत्कारी इफ़ेक्ट देता है आपको, जो अमृत के समान वो माना गया है। और जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है, अगर हम पीते हैं एकदम से खाना खाया, प्लेट रखी साथ में, फटाफट से पानी पी लिया, तो वो है जहर के समान, बिल्कुल इसका उल्टा। तो वो जो है टोटली एसिडिक और पॉइजनस माना जाता है आयुर्वेदा के अनुसार। अगर आप एकदम से पानी पी लेते हैं तो उसे जहर क्यों माना गया है, वो इसलिए माना गया है क्योंकि हमारी बॉडी ने जो खाना खाया है उसने अभी उसके न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन नहीं करे हैं, उसमें से प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं किया है, उसमें से उसने न्यूट्रिएंट्स इधर उधर जो है प्रॉपर नहीं पहुँचाए हैं, और ना ही अभी तक हमारे लीवर ने उसको डाइजेस्ट किया है, ना ही वो प्रॉपर बाइल जूस बना है, और हमने क्या किया, फटाफट से पानी पीकर सब कुछ फ्लश आउट कर दिया। वो एकदम से आपने खाना खाया और तभी पानी पीकर उसको सारा का सारा जो है एक कह लीजिए एक उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बनने दिया, कोई कुछ नहीं बनने दिया, और वो हमारा खाना वेस्ट हो गया, और हमारी बॉडी को वो फिर हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स नहीं लगते, हमें खून की कमी हो गई, हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है, या एसिडिक बॉडी है, वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। तो पानी पिए कब, पानी या तो खाने से आधा घंटा पहले पी लें, और जो लोग जो है आधा घंटा पहले कई बार हम भूल जाते हैं या नहीं पी पाते हैं, तो खाना जब खाते हैं उसके साथ साथ बीच बीच में एक एक घुट जो है पानी का, एक एक सिप जो है पानी की वो लेते रहें साथ साथ में, एकदम से खाने के बाद ना लें, और खाने के बीच खाना रोककर एकदम से सारा गिलास पानी नहीं पीना है, बीच में एक एक सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। तो ये तो थी पानी की बातें कि किस तरीके से पिए, कैसे तरीके से हम जो है रेगुलर इसको कंप्लीट करें। तो इसलिए जब भी पानी पिए तो खाने के एक घंटे बाद पी सकते हैं, या खाने के 45 मिनट्स और 1 आवर के बीच में पानी जो है वो आफ्टर फूड, आफ्टर मील कंजप्ट कर सकते हैं।
तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि आजकल मार्केट में बहुत तरीके का पानी आ गया है। अभी कई लोग हैं जो ब्लैक वाटर लेकर आते हैं कि ये देखो काला पानी, जिसको बोलते हैं कि ये बहुत एल्कलाइन है भाई। कई बॉलीवुड स्टार्स या कई जो है ये हमारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं कि हाँ भाई ब्लैक वाटर जो है बहुत बढ़िया है पिए इसकी। तो इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड नंबर पर एक और पानी आया है जिसको मिनरल वाटर बोलते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो है वो होते हैं, तो इट इज़ एनरिचमेंट विद मिनरल्स, सो आपको जो है वो मिनरल वाटर जो है कंजप्ट करना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा एक कैंगन वाटर है, उसको मैजिकल वाटर भी बोला जाता है। कैंगन वाटर भी जो है मतलब देखने में ये बिल्कुल सिंपल रेगुलर वाटर की तरह होता है, लेकिन इसका भी नाम कैंगन रख लिया है कि भाई इसमें बहुत सारे जो इसका पीएच लेवल बहुत बढ़िया है और पता नहीं क्या क्या और चीज़ें इसमें तो बताते सबसे रहते पहले हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो बॉडी का लेवल है या पीएच लेवल, जिसको हम अल्कलाइन लेवल बोलते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक बन जाए। हमारी बॉडी ऑल टाइम हमारे खान पान की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, तो जिसकी वजह से हम उसको एल्कलाइन करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं ब्लैक वाटर पी लो, मिनरल वाटर पी लो, ये पानी पी लो, वो पानी पी लो मार्केट से खरीद खरीद कर, तो उससे क्या है हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, कंफ्यूज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो प्रॉपर तरीके से एल्कलाइन होती है, ना प्रॉपर तरीके से जो है उसका एसिडिक लेवल मेंटेन होता है। अभी ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी बिल्कुल ही एसिडिक फ्री हो जाए, ऐसे नहीं होता है। हमारी बॉडी को एसिड की भी ज़रूरत है और हमारी बॉडी को एल्कलाइन की भी ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो बैलेंस बिठाना है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो है वो ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकडाउन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, मिनरल्स प्रॉपर तरीके से अब्जर्व नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। यूरिन जो है वो ज़्यादा है, ओवर एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें माइक्रोब्स बनने लगते हैं। माइक्रोब्स बनने की वजह से हमारी जो बॉडी की इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको छोटी 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 जो प्रॉब्लम्स हैं ईजीली जो है आप क्योर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी जो इन्फेक्शन है वो मौसमी बदलाव कह लीजिए या कोई बुखार कह लीजिए, तो वो ईजीली आपको जो है वो रिकवर नहीं होने देती। सो देख लीजिए इतने से पानी के वजह से जो हम ये इतने पैसे लगा कर खरीद खरीद कर अपने घर बीमारियां ही लेकर आ रहे हैं। सो कोशिश कीजिए रेगुलर वाटर पीजिए। अभी जो रेगुलर वाटर है वो एक रेगुलर वाटर ही हो सकता है जो हमारे घरों में फिल्टर लगे हुए हैं, या हम जो है ताज़ा पानी पीते हैं फ्रेश वाटर जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम बॉयल करके पानी रखते हैं वो पी सकते हैं, या एक क्ले पॉट का वाटर पी सकते हैं यानी कि मटके का पानी वो पी सकते हैं, तांबे का पानी जो है तांबे के गिलास में या गड़वी उसकी होती है उसका पानी पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी का जो एल्कलाइन लेवल है या एसिडिक लेवल है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो ये पानी आप पी सकते हो, या फिर अगर किसी की आपको लगता है कि लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया या लीवर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा चीज़ों को और बहुत ज़्यादा एसिड बना रहा है, एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको खट्टे डकार, चेस्ट में पेन, या फिर आपके सर को गैस चढ़ती हुई लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं जब भी पानी पिए वो उसमें थोड़ा सा नींबू की ड्रॉप्स डाल दे, लेमन और प्लस मिंट वाटर पीजिए, उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, थोड़े से नींबू का रस, ये डालकर जो है एल्कलाइन वाटर ही पीना शुरू करें। और जब भी कोई खाना खाएं, अगर आपको कई बार बाहर खाना पड़ गया है तो नींबू के स्लाइसेस ज़रूर लें और अपनी सब्जी दाल इन सब चीज़ों में जो है वो लेमन ड्रॉप्स ज़रूर डालते रहें और उन्हें खाएँ। आप घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा, एल्कलाइन लेवल भी मेंटेन रहेगा और एसिडिक लेवल भी मेंटेन रहेगा, और जो पानी है वो आपको अमृत समान ही रहेगा, वो जहर का काम नहीं करेगा। जब हम एकदम से खाना खाकर पानी पी लेते हैं तो वो जहर क्यों बन जाता है, क्योंकि हम अपने बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट लगने नहीं देते हैं, उसे उसी वक्त पानी पीकर फ्लश आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीजेस बहुत ईजीली कवर अप कर लेती है और हम ईजीली रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ। मिलते हैं फिर एक बढ़िया से टॉपिक के साथ, और इस बार मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो पानी है उसको ज़्यादा पीना चाहिए या कैसे पीना चाहिए, क्या उसके नुकसान है, या कैसे हम पानी पे फिर से करेंगे बातचीत। सो मिलते हैं द हर्बल अर्थ पे। थैंक यू वेरी मच।